सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक गेम खेल रहे हैं, और बेसिकली तो हम हमेशा मल्टी विंडो पे जाते हैं, बट इस बार हम यहाँ पे आ गए हैं ब्रोकन हाउस पे। एंड हमें शॉर्ट गन मिल गया है, और हमारे पीछे दो या तीन बंदे हमारे साथ उतरे हैं, तो वो आई थिंक सीढ़ी से ले रहा। ये हो गया एक नॉक, तो हम इसको कम्प्लीट मार देते हैं। ओके, यहाँ पर भी उसका पार्टनर आ चुका है, ये रहा। ओके, तो आई थिंक ये लोग जो है डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद दो ही बंदे देख रहे हैं। तो डुओ वर्सेस, ओ भाई एक बंदा आ रहा है उधर से, तो यहाँ पे फटाफट हम मेडिकेट यूज़ कर लेते हैं। एंड एक बंदा जो नीचे में मारे हैं, मतलब सीढ़ी पे, उसको देख लेते हैं क्या क्या है इसके पास। 12 seconds later. नीचे जो है एक स्क्वाड आ चुका है, फुट स्टेप आ रहा है, तो पता चल रहा है उससे एक स्क्वाड है, ये रहा। ओ भाई ये बंदा किधर जा रहा है, ये मुझे ढूंढने कहाँ जा रहा है भाई, इधर होकर पीछे। चलो ये नॉक कर गया, तो इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इसका पार्टनर है, तो उनको तो ये रहा। तो इनको अब थोड़ा घुमा घुमा के मारा जाए, बिकॉज इसमें हम माहिर हैं। ओके, वो बंदा फिर उधर गया। तो इनकी जो स्क्वाड है उसको तो मैं घुमा घुमा के मारूंगा, और मज़ा आएगा इनके स्क्वाड को मारने में। ओके, वो बंदा जो है पीछे पड़ा हुआ है मेरे, तो मुझे लगता है कि मुझे इस घर को। चल बेटा, हो गया ना नॉक, बाप से पंगा नहीं। अरे मल्टी विंडो ऊपर से भी मार रहा है भाई, इसके तो सभी बंदे मेरे ही पीछे पड़े हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत के बाद भाई मेरे पास मेडिकिट नहीं है। ओह माय गॉड, तो मेडिकिट मिल जाता तो काम बन जाता, बट मेडिकिट मिलेगा कहाँ से, जब किसी बंदे को मारूंगा तभी मिलेगा, और इतना कम HP में इम्पॉसिबल है। बट हमारे लिए ये इम्पॉसिबल पॉसिबल कर देंगे। ओके, ये रहा बंदा मुझे ढूंढ रहा है। अरे नहीं यार, उसको इतना ड्रैग लगाया बट लगा नहीं, क्योंकि उसके बॉडी पे एम जो है लॉक हो गया था। तो ये रहा बंदा एक, वो मेरे पीछे आएगा। चलो ये नॉक हो गया, और इसका किल कंफर्म। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, तगड़े वाले डब्बे के पास। तो एक बंदा हो गया नॉक, एक बंदा जो है ये भी, अरे भाई रिलोड, वो चलो मर गया। मैं तो सोचा था कि ये बच जाएगा, बट रिलोड जो है आ गया था, तो मारे गए वैसे। अब मुझे इनके पास से लूटना है भाई मेडिकिट, सबसे पहले तो मेडिकिट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इसमें देख लेते हैं, ओ इसमें मेडिकिट और इन्हेलर है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें इन्हेलर और मेडिकिट दोनों मिल गया। आप यहाँ पे हील हो जाते हैं, क्योंकि उनको लूटने जाना है, तो फुल स्पीड आएगा तब तक, और वहाँ से बंदे अभी बहुत ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक फाइट हो रहा है। यहाँ पे हमें शॉटगन चाहिए, तो ओके 25 में बहुत होता है इन्हेलर टोकन। चलो ये सब चीज़ तो हमने उठा लिया, अब उसको लूट लेते हैं, उसके बाद सीरम की तरफ रस मारेंगे। उन लोगों को अभी पता नहीं, आपस में तो लड़ रहे हैं, बट असली खेल किसको मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको लूट के सीरम की तरफ रस मारेंगे। तो भाई वहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। ओके, एक बंदा जो है दिख तो रहा है, और इसको मारेंगे हम क्रैश। क्रैश नहीं लगा, सामने वाला क्रोनो यूज़ कर लिया, तो चलो कोई ना, उनको पीछे से मारेंगे। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, ग्लू वॉल जिस हिसाब से लगा है तो बहुत सारे बंदे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 2 स्क्वाड है, तो हमें यहाँ पेशेंस रखना है। ओके, ये रहा, इसको ड्रैग देंगे इसके ऊपर जाके। अरे अबे चढ़, अबे ऊपर चढ़। हाँ चलो, ओ भाई खतरनाक ड्रैग, एंड इसका किल। चलो इसका किल हो गया कन्फर्म, यहाँ से बंदा आ रहा है। ओके, ओ भाई, ओके तो ये भी मर गया। इस बंदे का मैं फुटप्रिंट सुन लिया था, वरना ये मुझे पीछे से लपेट लेता। ओके, दो बंदे मेरे पीछे, अरे ओ भाई एक नॉक। चलो ये भी किल कंफर्म, एक बंदा जो है वो बचा हुआ है उसका, और वो जो बंदा है वो मेरे पीछे पड़ा है। ओके, ये रहा, वो अंदर घुस गया, वरना उसको हेड लग जाता जंप मार के मारे थे तो। वैसे तो जिस बंदे को हमने अभी इसके पहले नॉक किया था, उसको मारने के चक्कर में ये जो बंदा आया है मारने, इसको हेड लग गया था। ये लॉन्ग रेंज में था, बट इसको हेड लगा था, तो ये डैमेज, ये भी डैमेज है, तो इसको देखते हैं कहाँ पे है। ओके, वो रहा, ओ ये भी ट्रैक से बच गया, तो ये इस तरफ आ रहा है। ओ भाई पहली फुर्सत में निकल, ये मुझसे साड़ा बन रहा था, दीपक नाम का, ये मुझसे साड़ा बन रहा था। अबे दीपक गधे, तेरे से साड़े हैं हम, तू सोचा होगा कि हम तो वहीं पे होंगे, या फिर हम तुम्हारे से स्लो होंगे। इस बंदे ने जो है मुझे घूम के मारने के लिए सोचा तो था, बट हम इससे एक कदम आगे निकले। वैसे सामने वाले का मूवमेंट समझना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है फ्री फायर में। 2000 years later. हद होता है भाई, हद होता है, दूसरा सीन खत्म होने वाला है और बंदे को मिल नहीं रहे हैं भाई, इनके लिए गाना गाना पड़ जाएगा। तुम लोग छूटे हो कहाँ, जल्दी से आ जाओ सामने, वरना कुत्ते की मौत मारूंगा सालो। जल्दी आओ, ओ ये रहा,
भाई बहुत ही उछल उछल के मार रहा है बेटा, उछल उछल के मारते नहीं, उछल उछल के नॉक होते। अरे फिर बच गया, फिर बच गया, इस साइड से मारेंगे। ओ ये बंदा मिस्टर पापा, ओ मिस्टर पापा हम तुम्हारे पापा हैं, तुमने क्यों रख लिया बे पापा नाम? इस बंदे का नाम तो पापा था बट हम इसके पापा निकले। मस्त जोक मारा। ओके जुवाल भी बहुत अच्छा मिल गया, 5 जुवाल उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है, हमें कम से कम मिनिमम 10-12 जुवाल चाहिए, जितने बंदे बचे उनको मारने के लिए। वैसे एक आध जो मजबूत टाइप का कवर ले लेंगे तो आराम से मारेंगे उन लोगों को, लेकिन इस 5 जुवाल के सारे हम एक स्क्वाड को मारना थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन तो नहीं है। तो क्या यार, इतना बंदे ढूंढने के बाद ही नहीं मिला, मुश्किल से 2 बंदे मिले थे, अब फिर मुझे बंदे ढूंढने पड़ेंगे। अबे गधों किधर हो, मिल जाओ, तुम लोग छुपे हो कहाँ? मैं यहाँ पे ढूंढता रहता दोनों यहाँ, अबे किधर छुपे हो भाई? यह तो होता है यार, इतना छोटा मैप है और बंदे जो है कहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है कुछ सर जाना चाहिए पश्चिम की तरफ। हालांकि सर जो है यही पे, बट हमको तो रस खेलना है, रस खेल के मारना है बंदों को, वो भी कुत्ते की मौत। वैसे कुछ बंदे मुझे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, भाई तुम नबड़े हो, तुम ये हो, तुम फलान हो, तुम ढकान हो, तो मैं उन लोगों को बता दूँ कि मैं भाई देखो वीडियो जो है मैं कॉमेडी एंड इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाता हूँ। यूट्यूब में तो हर कोई डालते हैं यार सोलो वर्सेस स्क्वाड या अपना प्रो वाला प्ले मतलब गेम प्ले, तो मैं सोचा कि भाई दूसरे तरीके से मैं डालूँ, क्यों ना आप लोगों को हंसाया जाए, तो इसलिए मैं लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में एंड कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छा गेम प्ले खेलने की। तो इस रीज़न से मैं वॉइस ओवर देता हूँ, वरना तो मैं वॉइस ओवर देता नहीं, ऐसे ही डाल। अच्छा यहाँ पे बंदा है, ओ भाई साहब यहाँ पे तो पूरी की पूरी पलटन है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ये लोग अभी देख डालेंगे तो भाई यहाँ पे लपेट डालेंगे, बिकॉज हमारे पास कवर नहीं है तगड़ा। तो पीक के बड़े वाले घर पे पहुंचते हैं, बिकॉज सर्कल जो है वहीं पे है, सर्कल का जो कोना है वो। ये तो आपस में लड़ने लगे, अरे भाई एक बंदे को तो मार भी दिया। अच्छा वो रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं, हमें थोड़ा रुकना है। भाई उसको मुझे नहीं मानना था क्योंकि वो दूसरा टीम था, ये बच गया। क्यों बोल रहा हूँ कि वो अकेला बंदा बचा था और मैं डैमेज किया, साले लोग किल चोरी कर लिए मेरा, उल्टा मेरा ही किल चोरी कर लिए। मैं सोच रहा था कि मैं उनका किल चोरी करूँगा बट उल्टा मेरा ही किल चोरी हो गया एंड पूरा 4 के 4 बंदे आई थिंक बचे हैं, मुझे मिला के 5 बंदे, मतलब भाई 4 बंदे आगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार देंगे। पेड़ है सामने, पेड़ का कवर लेते लेते हम आगे बढ़ जाएंगे एंड उनके स्क्वाड को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे दिक्कत की बात की ये श्रिंग, अरे भाई ओ भाई साहब, चारों के चारों बंदे साले लोग मेरे ऊपर एम लगा के बैठे हैं, तो मुझे पीछे से जाना चाहिए, मेडिकेट यूज़ कर लूँ उसके बाद पीछे से जाऊँगा। श्रिंक आने वाला है, 13, 12, 11, ओ भाई यहाँ पे देखते हैं। ओके ग्लू वॉल लगा के बैठे हैं, ओ भाई ड्रैग तो लगाया बट अगर एक डाउन हो जाता तो हम आसानी से रस मार सकते थे। अरे यार एक बंदा नॉक तो हो जाए, अब पीछे से श्रिंक आ रहा है, निकलना पड़ेगा। ओके तो हमें निकलना पड़ेगा। ग्लू वॉल क्यों नहीं लग, अबे यार नेटवर्क कनेक्शन एरर, व्हाट द हेल। इसके पहले कितना खतरनाक नेट चल रहा था, 50-60 और यहाँ पे देखो 99.9 हो गया, तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैं तो मर गया हूँगा। ओके ओ भाई अभी मर गया मैं, तो ये सामने वाले टीम को तो मैं आसानी से मार देता। तो गेम प्ले अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना।